CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम प्लूटो जो अब ग्रह नहीं रहा। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज यानी 24 अगस्त सन 2006 को चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक के शहर प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से निकाल दिया गया है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने प्लैनेट की नई परिभाषा भी बनाई है। नमस्कार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के सम्मेलन में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने के समाचार ने पूरी दुनिया में खबरों का बाजार गर्म कर दिया। हर तरफ सवालों का अंबार लग गया। प्लैनेट और गैर प्लैनेट्स के बीच एक विभाजन रेखा भी निश्चित की गई। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो एक यूनानी शब्द है और जिसका मतलब होता है घुमंतु। परंपरागत रूप से तो यह शब्द उन आकाशीय पिंडों के लिए प्रयुक्त किया जाता था जो तारों की पृष्ठभूमि में चलते हुए नजर आते थे। बात सन 1929 की है। स्थान लॉवेल ऑब्जर्वेटरी, शहर फ्लैगस्टाफ, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एरिज़ोना राज्य। 23 वर्षीय नौजवान क्लाइड विलियम टॉम्बो को एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रहों पर शोध के लिए नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एरिज़ोना राज्य। काली सर्द रात, आकाश में न तो चांद था और न ही बादल। शरीर को कंपा देने वाली ठंडी हवाएं थीं। प्रोजेक्ट के गाइड डॉक्टर वी एम स्लीफर ने क्रॉइट को बुलाकर प्रोजेक्ट के बारे में समझाया। यहाँ आओ क्लाइड। जी सर। देखो, अभी तक हमने ग्रहों की जितनी तस्वीरें ली हैं उनके आधार पर मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 8 ग्रहों के अलावा और भी कोई ग्रह है हमारे सौर मंडल में जिसे हम आज तक देख नहीं पाए। जी, याद है उस दिन हमने क्या देखा था? वो एक अजीब सा प्रकाश। जी सर। देखो, तुम्हारा काम है रात में आकाश की तस्वीरें लेना। जी सर। सर, मैंने रातों को जाग जाग कर टेलीस्कोप कैमरे से तस्वीरें ली हैं और ये तस्वीरें 2 हफ्ते के अंतराल की हैं। सर, आप इसे देखें सर और बताएं आगे क्या करना होगा। अब तुम ये जांच करो कि समय के साथ साथ क्या आकाशीय पिंडों के स्थान में कोई परिवर्तन हुआ है। लेकिन वो कैसे सर? इस मशीन की सहायता से तुम ये पता लगा सकते हो। इसे ब्लिंक कंपैरेटर कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्लेट्स की तस्वीरों को तुलना करके देखा जा सकता है जी। कि उनके स्थान में परिवर्तन आया है या नहीं। एक फोटोग्राफिक प्लेट लो और तेजी से उसे खिसकाओ आगे और पीछे, ये इस तरह। अच्छा, करके देखो। देखो करके। मैं करता हूँ सर। सर, सर देखिए, जैसे ही मैंने जरा सा प्लेट को खिसकाया तो आपने नोटिस किया सर, पिंड के मूवमेंट का ब्लिंक। हाँ हाँ, मैंने भी देखा मूवमेंट का इल्यूजन यानी गति का भ्रम। हाँ। साथियों, क्लाइड विलियम टॉम्बो पूरे मनोयोग से अपने मिशन में लगे रहे। अपने संस्मरण में उन्होंने कहा,
So it takes a dedication to achieve that kind of thing. A lot of people would give up and quit. And so, मुझे टेलीस्कोप से रात के आसमान की तस्वीरें लेने के लिए नियुक्त किया गया। ये चौड़े कोण वाला फोटोग्राफिक टेलीस्कोप था। ये एक टेक्निक ही थी, क्योंकि इन प्लेट्स पर कई सौ हजार तारों के प्रतिबिंब आ जाने थे। ये एक अद्भुत और देखने लायक चीज थी। और आखिर आ ही गया वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सबको इंतजार था। कितनी तेज हवा चल रही है, आज ठंड भी सबकी है, मगर मुझे जागना है। अब मैं आकाश की तस्वीरें लेता हूं। एक इधर से लेता हूं। सुबह भी होने वाली है, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर इन तस्वीरों को स्कैन करूंगा। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सच है। हाँ सच है, ये सच है। एक नया ग्रह मेरी आंखों के सामने है, मेरी मंजिल मुझे मिल गई। हाँ। क्लाइड बताते हैं, I did not know that I had recorded the image of Pluto on those plates, not until I scanned them later in February. मैं विस्मित रह गया जब मैंने देखा फोटोग्राफिक प्लेट के पिंड के स्थान में परिवर्तन हो रहा था। ये मेरी जिंदगी का अविश्वसनीय अद्भुत पल था। मेरे हाथों में एक नए ग्रह की तस्वीरें थी। मेरी मेहनत का इतना अच्छा फल मिलेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक बिल्कुल नया ग्रह मानो मेरे हाथों से आकार पा रहा था। That was the most instantaneous thrill you can imagine. It just electrified me. तो आखिर इस नए प्लैनेट को ढूंढ लिया गया। नए खोजे गए प्लैनेट का नामकरण बड़े ही जोर शोर से हुआ, और इसके लिए नामों को शॉर्टलिस्ट करके वोटिंग द्वारा मात्र एक सप्ताह में निर्णय लिया जाना था। प्रिय दोस्तों, आज हम सभी क्लाइड टॉम्बो के नए प्लेनेट का नाम रखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हमें बहुत से नामों के सुझाव मिले हैं, लेकिन हमने सिर्फ तीन नामों मिनर्वा, क्रोनस और प्लूटो के लिए ही वोटिंग करवाने का निर्णय लिया है। और अब मैं लॉवेल ऑब्जर्वेटरी के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वो घंटी बजने के साथ ही अपने पसंदीदा नाम के लिए वोटिंग शुरू कर दें। जी जी बिल्कुल, चलिए। एक मई सन 1930 को यानी आज मतों के अनुसार जो नाम चुना गया है वो है
प्लूटो, जो कि एक ग्रीक देवता के नाम पर रखा गया है, जो स्वयं को अदृश्य कर लेता है। और इसे सुझाने वाली हैं ऑक्सफोर्ड की एक 11 साल की स्कूली छात्रा विनेसिया बर्ने, जिन्हें पुरस्कार के तौर पर 500 पाउंड इनाम के भी दिए जाते हैं। हमें बड़ी खुशी है उन्हें ये पुरस्कार देते हुए। प्लैनेट की परिभाषा समय के साथ साथ पुरानी हो चुकी थी। वक्त के साथ अंतरिक्ष के अवलोकन की क्षमता का विस्तार हुआ और प्लैनेट की नई परिभाषा की जरूरत भी महसूस की गई। नासा का पृथ्वी से 600 किलोमीटर ऊपर आकाश में धरती का 90 मिनट में एक चक्कर लगाते हुए 20वीं सदी के महान एस्ट्रोनोमर एडविन हबल के नाम पर रखा हुआ अंतरिक्ष टेलीस्कोप ग्रहों और नक्षत्रों की तस्वीरें धरती पर भेज रहा है। सन 2003 को पॉलोमर ऑब्जर्वेटरी में जब प्लूटो के बराबर या इससे भी बड़े पिंड जैसे एरिस खोज लिए गए, तो सवाल उठा कि क्या उन सभी को भी ग्रह माना जाए या प्लूटो को ग्रहों के परिवार से बाहर कर दिया जाए। और फिर 15 मई 2005 को हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींची गई तस्वीर में प्लूटो के मून चेरोन के अलावा दो और छोटे छोटे मून हाइड्रा और निक्स का पता चला। 19 जनवरी सन 2006 में पियानो के आकार के एक संशोधित मिशन न्यू होराइजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। This is Colorado Launch Pad, United States of America. Craft route to takeoff. अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक प्लैनेट परिभाषा समिति बनाई, जिसने दो वर्षों में इस मुद्दे के वैज्ञानिक पक्षों के अलावा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पक्षों पर भी गौर किया। बात तो ठीक है, लेकिन बात ठीक है, जो ठीक है आपकी हो सकती है। समिति के माननीय सदस्यों, आज हम सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जी, प्लैनेट के बारे में जो भ्रम की स्थिति है उसे खत्म करना हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल सही कहा। हमारे सामने बहुत ही गंभीर समस्या है। हमें तय करना होगा कि प्लैनेट और गैर प्लैनेट के बीच कोई मनमानी सीमा रेखा खींच दी जाए, या फिर जैसा वैज्ञानिक तौर से सही है उस रास्ते पर चलें। नहीं नहीं, हमें विज्ञान के अनुसार ही चलना चाहिए। हमारे कुछ सदस्यों ने मिलकर प्लैनेट की परिभाषा तय की है, जिसके दो स्तर हैं। पहला, किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह तभी कहा जा सकता है जब वो किसी सूर्य की परिक्रमा करता हो और खुद सूर्य या किसी दूसरे ग्रह का उपग्रह ना हो। जी। दूसरा गुण है कि उस पिंड की संहति इतनी हो कि वह अपने गुरुत्व बल के कारण लगभग गोल ही हो जाए। लेकिन हम इस परिभाषा से चलेंगे तो जिन आकाशीय पिंडों का व्यास 800 किलोमीटर से ज्यादा है वो सभी प्लैनेट कहलाएंगे। हाँ, बिल्कुल, ये तो है। लेकिन इस परिभाषा को लागू करना इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत से आकाशीय पिंड इस परिभाषा की सीमा रेखा पर है और उनके भौतिक गुणधर्म बहुत गहरे अवलोकन के बाद ही निर्धारित किए जा सकते हैं। जी, इसीलिए हमारे कई सदस्यों ने कहा है कि प्लैनेट की एक नई श्रेणी बनाई जाए और उसे प्लूटोन का नाम दिया जाए। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य की परिक्रमा करने में
इन पिंडों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। और अगर हम पृथ्वी के वर्ष के हिसाब से गिनेंगे तो पाएंगे कि प्लूटो को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 200 वर्ष लग जाते हैं। इस तरह तो प्लूटो, चेरान आदि प्लैनेट प्लूटोन कहे जाएंगे। वैसे कह तो सही रही है। इस तरह ग्रह परिभाषा समिति ने ग्रहों के मुख्य रूप से दो गुण निर्धारित किए। उनमें से पहला गुरुत्व से संबंधित था और दूसरा था कि कोई भी आकाशीय पिंड सूर्य न हो और किसी अन्य ग्रह की परिक्रमा न करता हो। जहां ग्रह परिभाषा समिति ने प्लैनेट की परिभाषा में नए आयाम जोड़कर उसे अधिक विकसित रूप दिया, वहीं प्लूटो के ग्रह होने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया। और 24 अगस्त सन 2006 को चेकोस्लोवाकिया रिपब्लिक के शहर प्राग में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं बैठक से ही प्लूटो के अस्तित्व पर विवाद का सिलसिला शुरू हो गया। माननीय सदस्यों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि ग्रह परिभाषा समिति ने प्लैनेट के बारे में जो नई परिभाषा दी है उसके अनुसार प्लूटो को ग्रह नहीं माना जा सकता। क्या कह रहे हैं? लेकिन अध्यक्ष महोदया, ऐसा आप किस आधार पर कह रही हैं? प्लूटो को ग्रह क्यों नहीं माना जा सकता? बिल्कुल, हाँ बताइए बताइए, क्यों नहीं माना जा सकता? बताइए ना, आप बताइए, क्या कमी है इसमें, बताइए। कृपया शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, ग्रह के दो गुणों के अलावा एक तीसरा गुण भी होना चाहिए। क्या तीसरा गुण? वो कौन सा है? तीसरा गुण है कि वही आकाशीय पिंड ग्रह कहला सकता है जिसके पड़ोस में उसकी टक्कर का कोई दूसरा पिंड ना हो। क्या? और अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि प्लूटो को ग्रह नहीं कहा जा सकता। प्लूटो ग्रह होने के लिए आवश्यक गुणों पर खरा नहीं उतरता। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इन छोटे आकाशीय पिंडों को वस्तुतः वामन ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट कहा जा सकता है, जो अपने आकार में बहुत ही छोटे हैं। प्लूटो, एरिस और सेरेस को वामन ग्रह की श्रेणी में डाल सकते हैं। बात तो ठीक है, लेकिन भी बात ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक के दूसरे दिन ही प्लूटो के ग्रह का दर्जा खत्म होने की सूचना पूरे विश्व भर में फैल गई। हर तरफ खलबली सी मच गई कि आखिर ये क्या और कैसे हुआ। हर तरफ सवालों का अंबार लग गया। वैज्ञानिकों से लेकर साधारण आदमी सभी इस बारे में जानने को उत्सुक हो गए। छात्रों ने अपने अध्यापकों से सवालों का तांता लगा दिया। हर तरफ प्लूटो के ही चर्चे होते रहे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के इस फैसले से कई लोग नाखुश हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस तरह प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर करना सही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि सन 1930 में जब प्लूटो की खोज हुई थी, तभी से ग्रह कहलवाने में उसके गुणों का नहीं बल्कि उसे खोजने वाली ऑब्जर्वेटरी द्वारा किए गए प्रचार प्रसार की ज्यादा भूमिका रही। इसके बावजूद कई खगोल शास्त्री कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के सम्मेलन में सिर्फ 25% सदस्य ही मौजूद थे, इसीलिए उन्होंने इस निर्णय को पलटवाने के लिए अभियान शुरू कर दिया। कई देशों में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन तक किया। प्लूटो को ग्रहों की बिरादरी से बाहर करने का फैसला कुछ लोगों की नजर में सही और तर्कपूर्ण है, तो कुछ लोगों की निगाह में गलत। पक्ष विपक्ष
और बहस का सिलसिला चल रहा है और निकट भविष्य में इसका कोई अंत अभी नजर नहीं आता। प्लूटो जो अब ग्रह नहीं रहा। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, विषय समन्वय और आलेख परामर्श डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आलेख सविता राणा, कलाकार राजश्री त्रिवेदी, शरद तिवारी, हर्ष बाला, राजेश आहुजा, दिनेश वर्मा, गीता वर्मा और प्रवीण शर्मा। ध्वन्यांकन अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।